कोरोना का कहर अभी जारी है। इस बीच कोरोना का डर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साफ नजर आया। कोरोना के चलते उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से गुलदस्ता नहीं लिया और मास्क ठीक से न लगाने पर अपने गुट के नेता राजेंद्र भारती को डांट लगा दी। अगर ये कोरोना का डर है तो ये डर बहुत अच्छा है। बीजेपी नेता राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना संक्रमण से दो दो हाथ कर चुके हैं। पिछले भोपाल दौरे के दौरान वे जिस तरह लोगों से मिले थे उसकी बड़ी आलोचना हुई थी। तब सिंधिया ने जाने अनजाने कोरोना नियमों की अनदेखी की थी, इसलिए वो इस बार कोरोना को लेकर ज़्यादा ही सावधानी बरतते नजर आए। सिंधिया ने जो डर कोरोना को लेकर दिखाया तो लगा ये डर बहुत अच्छा है। सिंधिया का काफिला कुछ नई जमावट के लिए MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचा, जहां मिश्रा उनके स्वागत के लिए गुलदस्ता लेकर खड़े थे। सिंधिया का अभिवादन करके नरोत्तम मिश्रा ने सिंधिया को गुलदस्ता देना चाहा, तो सिंधिया ने उसे खुद न लेकर पीछे देने को कहा और नरोत्तम मिश्रा का गुलदस्ता सिंधिया की बजाय सिंधिया गुट के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के हाथ पहुंच गया। इसके बाद सिंधिया अपने समर्थक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की बिटिया के विवाह में पहुंचे और वहां उनकी नज़र पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर पड़ी। उन्होंने ठीक से मास्क नहीं लगाया था। ये देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भड़क गए और बोले, आप जरा मास्क पहनेंगे? मेरी गाड़ी में लेक्चर देने के बाद भी आपकी स्थिति यह है, अब आप हंसिए मत। आप जरा मास्क पहनेंगे, मेरे गाड़ी में लेक्चर देने के बाद ही आपकी स्थिति है, आप हंसिए मत। हंसने की बात नहीं, आप हार्ट पेशेंट हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।